सो हेलो माई डियर सब्सक्राइबर्स, आई वेलकम टू ऑल इन माई यूट्यूब चैनल पेंजर ब्रदर, जहाँ पर हम दोस्तों हम करते हैं अनबॉक्सिंग ऑफ स्टेशनरी आइटम्स और टॉयस का। तो फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में जो पेयरगार्डिंग कंपनी की जो ग्लैमर पेन थी उसका रिव्यू और अनबॉक्सिंग किया था, उसकी स्मूथनेस, पैकिंग, MRP और इस पर हमने उसकी सबकी बात की थी। बाद में दोस्तों हमने इसका जो हाइलाइटिंग केस वगैरह होता है वो भी किया था, और ये पेन वाटरप्रूफ है कि नहीं उसका भी हमने कैश करके डेमो किया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देता हूँ, वहाँ से आप इस वीडियो को, इस पेन का रिव्यू देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, अभी हम बात करने वाले इस वीडियो में सेम पियर गार्डियन कंपनी की ट्रिम्प डिलक्स एक्सक्लूसिव बॉल पेन की। तो दोस्तों देखने वाले हैं इसमें कौन से कलर की बॉडी कलर्स आते हैं, इसकी MRP कौन सी है, इसकी जो मटेरियल क्वालिटी है वो कितनी अच्छी है, इसमें कौन सी रिफिल यूज़ होती है, क्या ये सिग्नेचर करने के लिए परफेक्ट पेन है कि नहीं, क्या हम किसी को ये गिफ्ट दे सकते हैं, सारे के सारे दोस्तों बात करने वाले हैं इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो जो सब्सक्राइब वाला बटन है वो भी दबा दीजिएगा, कि हम आगे ऐसे जो प्रीमियम क्वालिटी के कंटेंट के वो लाते रहेंगे। तो गाइज, अभी हम इस पेन को अनबॉक्सिंग करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये पियर गार्डियन कंपनी की जो पेरिस की कंपनी है, ये पेन का नाम है ट्रिम्प डिलक्स। और यहाँ पर आपको दो कलर में ये पेन मिलती है, एक सिल्वर ब्लैक, यहाँ पर उसका जो कलर का नाम है वो राइट किया हुआ है, CN फिनिश एंड ब्लैक लेकर यहाँ पर किक मार के दोस्तों। तो इस बॉक्स में आपको ये ब्लैक कलर की पेन मिलने वाली है। अब इसकी MRP की बात करें तो दोस्तों इसकी MRP है 150 रुपीज़, और जो हमने प्रीवियस वीडियो में अनबॉक्सिंग किया था उस पेन की भी MRP 150 रुपीज़ ही थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो एक कार्डबोर्ड का बॉक्स आपको इसमें मिलेगा, और अभी इसको ओपन करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपको ये ब्लैक कलर का जो प्लास्टिक का बॉक्स है उसमें आपको ये पेन मिलेगी। यहाँ पर आपको ये गोल्डन कलर का ये लोगो पेयरगार्डियन कंपनी के तरफ से आपको देखने मिलेगा, जिसके अंदर ये अपनी जो ट्रिम्प पेन है वो आपको मिलेगी। तो देख सकते हो दोस्तों पेन काफ़ी अच्छी लग रही है। अब इसको बाहर निकालते हैं तो ये देख सकते हो दोस्तों, ये है हमारी पेयरगार्डियन कंपनी की 150 रुपीज़ MRP वाली पेन। तो फ्रेंड, इसकी जो जो बॉडी की बात करें, प्योर मेटल है इसकी। आप जो ये क्लिप है वो भी देख सकते हो, गोल्डन कलर की है, और क्लिप और जो इसकी जो मेटल की बॉडी है उसकी बीच में जो गैप है वो काफ़ी कम है, क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था जो ग्लैमर पेन थी उसके पेन में जो क्लिप और जो बॉडी थी उसके बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप था। अगर आप उसके अपने शर्ट के पॉकेट में रखेंगे तो आप आसानी से वो गिर सकती है, पर इसमें ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये बहुत ही टाइट है। यहाँ पर आप देख सकते हो, इसके साउंड भी सुन सकते हो। तो फ्रेंड, अभी इसमें कौन सी रिफिल यूज होती है वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। और ये फ्रेंड, ये क्विस्ट वाली पेन है, ऐसे आप पेन को ऑन ऑफ वगैरह कर सकते हो। अभी इसको ओपन करते हैं, देखते हैं कि इसमें कौन सी रिफिल यूज होती है। तो आप देख सकते हो फ्रेंड, इसमें भी पियर कार्डिंग कंपनी की जो क्रॉस रिफिल आती है वो इसमें यूज होती है, बट जो इसका पॉइंट है वो 0.5 mm है, और जो लास्ट वाली पेन थी उसमें 0.7 mm था, यानी वो पतला था, ये थोड़ा थिक है। सो फ्रेंड्स, अभी हम इसका राइटिंग टेस्ट करके देखने वाले हैं कि लिखने में कितनी स्मूथ पेन है। ठीक है, तो अभी हम कोई भी एक रफ नोटबुक लेके उस पर कुछ लिखेंगे और चेक करेंगे कि लिखने में कैसी स्मूथ है। तो फ्रेंड, अभी मेरे पास है लग्जर कंपनी की ये नोटबुक। यहाँ पर हम इसका जो राइटिंग टेस्ट है वो करने वाले हैं। तो हम रैंडमली कुछ भी यहाँ पर लिखने वाले हैं, जैसे कि हेलो माय सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा इस साइड लिखते हैं तो ये वहाँ थोड़ा सेट नहीं हो रहा था।
तो फ्रेंड्स ये लिखने में काफ़ी स्मूथ है और जो स्क्रिप्ट फ्री चलने वाली पेन है और इसका जो कलर है इंक का वो काफ़ी डार्क है कंपेयर टू लास्ट वाली जो ग्लैमर पेन थी उससे। तो फ्रेंड अभी हम इसका जो स्मच स्केच के वो करने वाले हैं, क्या ये लिखने के बाद हम कुछ भी ऐसे फिंगर ऐसे करें तो ये एक स्मच होती है कि नहीं। तो जैसे कि यहाँ पर हम लिखते हैं पीएनजी ब्रदर्स, तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर फिंगर से रब करने से ये काफ़ी स्मच नहीं हो रहा फ्रेंड, क्योंकि हमने तुरंत ये रब किया था इसकी वजह से। अभी हम थोड़ा लिखेंगे और बाद में एक दो सेकंड के लिए वेट करेंगे, बाद में हम इस पे जो रब है वो करेंगे फिंगर से, बाद में हम देखते हैं क्या स्मच होती है कि नहीं। वापस से हम फ्रेंड यहाँ पर कुछ लिखते थे, तो अभी इसको एक दो सेकंड के लिए रहने देते हैं और अभी हम इसको रब करते हैं। तो फ्रेंड इस पे स्मच का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, तो आपके स्मच फ्री है। तो अब इससे आराम से साइन वगैरह कहाँ पर लिखना हो तब आराम से लिख सकते हैं। तो फ्रेंड अभी इस पे हम करने वाले हैं हाईलाइटिंग किस्ट, ठीक है, कुछ लिखेंगे और बाद में उस पर हाईलाइट से थोड़ा हाईलाइट करेंगे और देखेंगे जो हाईलाइट की इंक है उससे ये मिक्स होकर स्प्रेड होता है कि नहीं। तो हम यहाँ पर लिखा हुआ है, हम उस पर पहले हाईलाइट कर लेते हैं और बाद में हम लिखेंगे और तुरंत उस पर हाईलाइट करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग तुरंत हाईलाइट नहीं करते, फिर भी हम एक पॉइंट ऑफ व्यू से उसका भी केस हम कर लेंगे। तो अभी हम यहाँ पर हमने लिखा हुआ है तो यहाँ पर हाईलाइट कर लेते हैं। तो फ्रेंड हमने हाईलाइट कर लिया है, क्योंकि हम आपको पता होगा मैं फेबर कैसल कंपनी का जो हाईलाइटर वो यूज़ करता हूँ और इसमें काफ़ी सारे न्यून कलर भी अभी मार्केट में आ चुके हैं और सारे के सारे का हमने अनबॉक्सिंग और रिव्यू कर दिया है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वरना आप हमारे चैनल पर जाके भी देख सकते हो। तो यहाँ पर हम आप देख सकते हो इस पर हाईलाइट का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, यानी ये बिल्कुल स्प्रेड नहीं हो रहा। तो आप आराम से इस पर हाईलाइट कर सकते हो। अभी हम लिखेंगे और तुरंत ही इस पर हाईलाइट करेंगे और देखते हैं कि स्प्रेड होता है कि नहीं। तो फ्रेंड यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने तुरंत हाईलाइट किया तो उसके बाद जो इसकी इंक है वो स्लाइटली लाइट होना स्टार्ट हो गई थी दोस्तों, कंपेयर टू अबव पोर्शन। यहाँ पर जो इंक है वो काफ़ी डार्क है और जो नीचे हमने तुरंत उस पर हाईलाइट किया था उसमें जो इंक है वो हाईलाइटर के इंक से मिक्स होकर काफ़ी लाइट हो चुकी है। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि कभी भी तुरंत ही हाईलाइट ना कीजिए, क्योंकि ये आपको बाद में लाइट हो चुका होगा। अभी हम करने वाले हैं फ्रेंड इसका वाटर टेस्टिंग, क्या ये वाटर प्रूफ है कि नहीं। दोस्तों ये बॉल पेन है जनरली, तो इसमें ये तो वाटर प्रूफ ही होगी, फिर भी हम शंका को स्थान ना देते हुए इस पर हम वाटर टेस्ट करने वाले हैं। तो फ्रेंड हम वापस यहाँ पर कुछ लिख देते हैं, अभी फ्रेंड हम इसको वाटर टेस्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों मैंने थोड़ा काफ़ी ज़्यादा पानी ले लिया है, क्या होता है बारिश में लोगों के जो पूरी बैग है वो वेट हो जाती है, इसकी वजह से हमने थोड़ा काफ़ी ज़्यादा पानी ले लिया है, क्योंकि मैंने जो पेपर यूज़ किया है वो काफ़ी अच्छा GSM का है, इसकी वजह से ये पीछे बहुत ही हल्का हल्का इफेक्ट आ रहा है देख सकते हो, वरना काफ़ी पेजेस तो ऐसे होते हैं कि पूरा पेज ही फट जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस पर पानी से कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, तो ये प्योर वाटर प्रूफ है। तो आप कहीं पर भी किसी को गिफ्ट करना चाहते हो, कोई ऑफिस वाला बंदा है उसको आप गिफ्ट करना चाहते हो, तो ये काफ़ी अच्छी पेन है, जो साइन करने के लिए काफ़ी बेहतर पेन है फ्रेंड, क्योंकि इसका जो लुक है वो प्योर प्रीमियम पेन की तरह आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो पूरी ब्लैक, उसकी जो कैप है प्योर गोल्डन कलर की है। तो फ्रेंड आपको ये वीडियो कैसा लगा हो
मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आप ऐसे ही चाहते हो कि ऐसे पेन के वीडियो हम लाते रहे तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और दोस्तों इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।